सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑटो हंटर के बिल्कुल ही फ्रेश एपिसोड में। सो इस बार हम जो हैं हिंदी में डिटेल ओनर रिव्यू लाए हैं, यानी ओनर रिव्यू सेगमेंट की हमारी ये वीडियो है जिसमें हम देंगे आपको बेस्ट ओनर रिव्यू ऑफ ह्यूंडई क्रेटा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है। सो मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमें, जो दो लोग हैं जिन्होंने अपनी ओनर रिव्यू वीडियो हमको बना के व्हाट्सएप पे सेंड की, एंड जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए, कस्टमर्स ने जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लेकर आए हैं इसमें, कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो डाउट क्लियर आउट हो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है उसके थ्रू आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसे क्लियर आउट करेंगे वीडियो के साथ, या जो भी हमारी टीम है वो तुरंत ही आपको क्लियर आउट करेगी उस पूरी जो भी क्वेश्चन है उसको। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं उस ओनर रिव्यू की, एंड ऑल्सो जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देते हैं, तो लेट्स गो। सो गाइस जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था जिनसे हमने पूछा था वो है मिस्टर जय ह्यूंडई क्रेटा ओनर फ्रॉम महाराष्ट्र। सो हमारा जो क्वेश्चन था उनसे वो ये था, व्हाई ही हैव परचेस्ड ह्यूंडई क्रेटा एंड व्हाट्स द बेस्ट फीचर दैट अट्रैक्ट्स हिम द मोस्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा फीचर है ह्यूंडई क्रेटा में जो उनको सबसे अच्छा लगा एंड वो रीज़न बन गया उनके परचेज का। सो देख सकते हैं आप उनका ओनर रिव्यू कि उन्होंने क्या बोला एंड व्हाट इज हिज आंसर। हेलो एसपीएस कार, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने क्रेटा 2020 क्यों परचेस की, मुझे सबसे अच्छा उसमें क्या लगा, कौन सा फीचर लगा। तो मुझे उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि उसमें जो कंफर्ट है, जो उसमें सस्पेंशन है, वो इतना अच्छा दिया हुआ है कि आपको फील ही नहीं होगा कुछ खड्डों के बारे में, और उसका जो कंफर्ट लेवल है सबसे हाई है। दूसरा, उसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं जैसे ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, जो पैनारोमिक सनरूफ है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, फीचर एयर प्यूरीफायर जो है उसमें वो भी मुझे अच्छा लगा, हर एक चीज़ उसमें अच्छी है, ऐसी कोई उसमें खामी नहीं है। वो गाड़ी में जो इंजन का आवाज़ आता है डीजल कार में वो भी बिल्कुल नहीं आ रहा है अंदर, वो भी एक अच्छी बात लगी मुझे। सो गाइस जैसे कि आपने देखा उनका आंसर बहुत अच्छा लगा मुझे भी, एंड उन्होंने पूरा बताया आपको कि क्या रीज़न था उनके परचेज का। तो उन्होंने ये कार परचेज की बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, बहुत स्मूथ सस्पेंशन मिला है, जो कंफर्ट आपको मिलता है ह्यूंडई क्रेटा में। ओवरऑल ह्यूंडई क्रेटा इंडिया में बहुत अच्छी रीसेल प्राइस के साथ भी आती है। सो ये था उनका ओनर रिव्यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमने पूछा मिस्टर प्रणव फ्रॉम असम। सो उनसे हमने क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज़ द कम्फर्ट ऑफ ह्यूंडई क्रेटा। उनका आंसर बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आंसर दिया, तो देखते हैं उनका क्या आंसर रहा। हेलो एसपीएस कार्स, आई एम प्रणव एंड आई एम फ्रॉम असम। आई ओन ए क्रेटा ईएक्स पेट्रोल वर्जन ऑफ द 2020 क्रेटा, एंड द क्वेश्चन टू मी वॉज हाउ इज़ द कम्फर्ट ऑफ द व्हीकल। वेल फॉर मी द कम्फर्ट इज़ बेस्ट, it is totally a value for money vehicle. You have great space, great leg room and a fantastic boot space. So overall I like the vehicle, but I want to say that Hyundai needs to improve some things. Just like Maruti, the plastic quality that Hyundai is using in this particular vehicle is not that great. Even the Archimedes sound system, which produces a minimal quality of audio, is not quite fit in the vehicle. The plastics starts rattling and it's quite miserable listening to music at higher volumes. So overall the car is good, but the quality of the plastics used is not that good which I was expecting. Overall for me it's a great car. So guys ye tha Mr. Pranav ka answer, to use main translate kar deta hu. So unhone ye bola कि उनको क्या फीचर बेस्ट लगा, कि जो भी पूरा हमारा कंफर्ट है ह्यूंडई क्रेटा में, लेग रूम है एंड ओवरऑल जो भी ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा स्मूदर है एंड बहुत अच्छी ड्राइव देती है, एंड लाइक जो प्लास्टिक वर्क है वो बेटर हो सकता था, जो भी वर्क है प्लास्टिक का जो वर्क किया गया है इंटीरियर में वो कुड बी मोर बेटर, बिकॉज लाइक ह्यूंडई मारुति सुजुकी का प्लास्टिक वर्क है, वैसे ही उन्होंने कंपेयर किया दोनों को, एंड उन्होंने
कुछ नेगेटिव भी बताया, क्योंकि होता ही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सब कुछ तो किसी कार में अच्छा नहीं होता। सो जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी थोड़ी सी करती है, तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो हमारे पहले रिव्यूअर थे उन्होंने बोला कि साउंड बहुत अच्छी है, तो इनका जो है इन्होंने बोला कि साउंड में दिक्कत हायर वॉल्यूम पे जब हम प्ले करते हैं किसी भी सॉन्ग को तो साउंड क्वालिटी में थोड़ी सी आती है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक वर्क, सो इट कुड बी बेटर। ये तो दो ओनर रिव्यू थे हमें जो हमें मिले, एंड वी हैव ट्राइड फॉर मोर, बट ओनली टू ऑफ देम हैव गिवन मी देयर ओन रिव्यू वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस जो लोगों ने हमसे पूछे, जो लोगों ने जिनके डाउट्स हैं लोगों के कि कैसी है Hyundai Creta एंड व्हाट्स द ओवरऑल वर्क। सो अब उन्हें देखते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, डज द Hyundai Creta 1.6 SX ऑफ्ट पेट्रोल मॉडल ऑफर एंड्रॉयड ऑटो? क्या Hyundai Creta SX ऑफ्ट पेट्रोल मॉडल ऑफर करता है एंड्रॉयड ऑटो को? सो जो आंसर है वो है येस, इट ऑफर्स द एंड्रॉयड ऑटो एंड ऑल्सो इट कम्स विद द एप्पल कारप्ले बिकॉज इट इज़ द टॉप मॉडल। सो टॉप मॉडल है, इस रीज़न की वजह से वो ऑफर करता है हमारा एंड्रॉयड ऑटो एंड साथ ही साथ एप्पल कारप्ले भी ऑफर करता है। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डज Hyundai Creta ऑफर्स स्मूथ एंड अ गुड राइड? सो द आंसर इज येस, इट ऑफर्स बिकॉज द फ्रंट सस्पेंशन इज मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन एंड इज सो गुड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार हैव दैट सस्पेंशन इन द फ्रंट एंड एट द रियर टॉर्शन बीम एक्सल सस्पेंशन मेक द जर्नी सो गुड एंड सो स्मूथ एज आर ओनर ऑल्सो सेड इन द स्टार्टिंग आई हैव शोन यू। सो मैं बता देता हूँ कि दोनों ही सस्पेंशन जो है फ्रंट एंड रियर में सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा स्मूदर एंड बहुत प्रॉपर वर्क करते हैं, हमारे ओनर ने भी ये बताया है एंड आई ऑल्सो लेट मी क्लियर आउट दिस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज Hyundai Creta ऑफर्स AMT? या गाइस, सो Hyundai Creta कम्स विथ एन AMT ऑल्सो, सो ऑटोमेटिक गियर भी आपको मिलता है एंड मैनुअल के साथ भी आती है एंड बहुत बढ़िया है ये। अगर आप ऑटोमेटिक ले जाते हैं तो इट कुड बी और मच बेटर, आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगी AMT के लिए। Hyundai Creta कम्स विद बोथ मैनुअल एंड AMT। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच वेरिएंट Hyundai Creta कम्स विद सनरूफ? सो लेट मी क्लियर आउट दिस अगेन। सो सनरूफ के साथ जो है Hyundai Creta आती है, बट फॉर ओनली द टॉप मॉडल्स, not for the base model, only for the SX and SX opt model. So sunroof के साथ तो आती है, but for the top models, SX and SX opt के लिए, उसके जो उसके down वाले models हैं उनके लिए नहीं आती है बिल्कुल भी वो sunroof के साथ। So which could be a better option for a journey of 15 kilometers per day, Nissan Kicks or Hyundai Creta? So let me clear out this again की Hyundai Creta और Nissan Kicks में कौन सी बेटर रहेगी 15 किलोमीटर की जर्नी पर डे के लिए। ओके, सो Hyundai Creta जो है हमारी 2020 में ही लॉन्च हुई है। okay, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। तो Nissan Kicks जो है हमारी जानी जाती है फॉर वैल्यू फॉर मनी के लिए, बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं एंड गुड परफॉर्मेंस है, बट जो वैल्यू फॉर मनी है आपको Nissan Kicks में तो मिलेगी, बट जो रीसेल प्राइजिंग है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा Hyundai Creta की एंड जो बेस्ट है अपनी सेगमेंट में, बहुत ज़्यादा परचेज होने वाली कार है। सो गो फॉर Hyundai Creta, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू द Nissan Kicks। सो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम पीपल यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी एंड टू ईच एंड एवरी वन एंड द सेल्स स्टाफ ऑल्सो। सो Hyundai Creta कम्स, वॉट इज द माइलेज ऑफ Hyundai Creta पेट्रोल मॉडल? ओके, लेट मी क्लियर आउट दिस, दैट माइलेज डजेंट डिपेंड ऑन यू ऑन द कंपनी नोटेड। सो मैं बता देता हूँ कि कंपनी नोटेड पे कभी भी माइलेज डिपेंड नहीं करती है, वो तुम पर डिपेंड करती है, मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं किस तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ अपनी कार को। यू नो वॉट, मैं जब भी किसी बाइक या कार को ड्राइव करता हूँ तो माइलेज डजेंट मैटर, कितनी वो दे रही है कितनी नहीं दे रही है ये कभी हमें देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो हम पर डिपेंड करती है कि हम कितनी उसे किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। हाईवे में क्यों डिफरेंट रहती है? बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलाते हैं,
बट वाइल इन सिटी, वाइल ड्राइविंग इन अ सिटी, क्यों नहीं माइलेज, क्यों हाईवे से नहीं मैचअप करती है? बिकॉज हम कॉन्स्टेंट स्पीड पर नहीं चलाते उसे. उसकी जो एवरेज स्पीड होती है कुछ और होती है अगर हम कॉन्स्टेंट पर देखें जो हाईवे पर मिलता है हमें. हाईवे पर क्या होता है कि एक 60 to 80 के किलोमीटर हमारी कांस्टेंट होती है कि हाँ इसी पे हम बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं. बट इन सिटी हम इतना लंबा तो ट्रैवल नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बार बार ट्रैफिक की वजह से एंड बहुत से रीज़न होते हैं कि हमें स्टॉप लेना पड़ता है. इस रीज़न की वजह से माइलेज नहीं सिमिलर होती है जो कंपनी नोट कर रही है एंड हाईवे एंड जो भी माइलेज है उसकी. सो माइलेज डजन डिपेंड ऑन यू एंड नोटेड. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड अगेन माइलेज वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं जितने भी पूछे गए हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन माइलेज ऑल्सो. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. सो गाइस बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ. सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेरिएंट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर 12,000 डिस्टेंस कवरेज पर ईयर, डज द Hyundai Creta पेट्रोल और डीजल. सो दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन आस्ड फॉर Hyundai Creta कि कौन सा वेरियंट पेट्रोल या डीजल वाला अच्छा रहेगा फॉर 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस एक ईयर में जो कवर करते हैं. तो आई विल सजेस्ट फॉर दी Hyundai Creta पेट्रोल मॉडल बिकॉज जो सिटी ड्राइव्स में इतनी डिस्टेंस कवर करना पेट्रोल मॉडल के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा इन कंपेरिजन टू दी डीजल वन. सो ये आंसर था मेरा कि Hyundai Creta वुड बी पेट्रोल विथ पेट्रोल वेरिएंट वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस मच डिस्टेंस कवरेज. सो गाइस ये थे हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन हैं. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से कांटेक्ट करें गिवन नंबर पे, गिवन व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन सेंड करें एंड बताएं हमें कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा डाउट है आपको किसी भी कार को लेकर या किसी भी बाइक को लेकर. वी विल क्लियर आउट योर क्वेश्चन एंड ऑल्सो थ्रू अ वीडियो और इंस्टेंटली. सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही. ये था हमारा ऑटो हंटर ओनर सेगमेंट जिसमें हमने आपको दो ओनर रिव्यू भी दिखाए, तो वहीं पे बहुत से क्वेश्चंस हमने आपके आंसर किए जो हमसे पूछे गए. नेक्स्ट टाइम किसी और कार का ओनर रिव्यू लाऊंगा एंड उसमें साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं क्लियर आउट करूंगा. सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से क्लिक कर दे लाइक बटन पर एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स को. साथ ही साथ अपना जो भी क्वेश्चन हो जल्दी से व्हाट्सअप कर दें एंड अगर अभी तक आप लोगों ने स्पेस कार को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही कुछ बेस्ट ओनर रिव्यूज़ को पाने के लिए जल्दी से क्लिक करें रेड सब्सक्राइब बटन पे एंड प्रेस कर दें बेल आइकन जिससे आप बन जाएं स्पेस कार की फैमिली का हिस्सा एंड ऑल्सो जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप देखें. तो मिलते हैं आज अगली वीडियो में. सो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय.